तो फ्रेंड यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमें ये पर्स बैग बनाना है, इसको किस तरीके से बनाना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। हमने यहाँ पर देखो जिप भी लगाई है और दोनों साइडों से यहाँ पर हमने ये पीस भी लगा रखे हैं, तो इसको किस तरीके से बनाना है चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर लिए हमने ये दो पीस और एक ही साइज़ के हैंगे, ठीक है। इस पर लगा लिए सिलाइयाँ, सिलाई लगाने के बाद में इसकी बताते हैं हम आपको लंबाई और चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है वो 12.5 इंच है, चौड़ाई है 8 इंच। और इसको इस तरीके से करेंगे डबल फोल्ड, ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर देंगे गोलाई, ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ गोलाई कर ली है। गोलाई करने के बाद में यहाँ पर हम ऊपर की साइड से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से करेंगे क्रास। क्रास करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से उस साइड से करीब 1 इंच का हम शेप देंगे, ये देखिए। अब इसको कर लेंगे कटिंग, ये यह हमें यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद ऊपर की साइड भी इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब दोस्तों हमने ये पीस कटिंग कर लिया है, इसी तरीके से हमें ये वाला पीस कटिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों पीस कटिंग कर लिए हैं, ये देखिए ये पीस हमारे दो हो गए, ठीक है। कटिंग कर लिए एक बराबर। अब हमने नीचे का लिया है ये वाला तला, यहाँ से तले की जो हमें लंबाई लेना है वो इस तरीके से नापना है, इस प्रकार देखो नाप तो चले जाएंगे। यह है 25.5 इंच यानी कि 26 इंच है, तो हम करीब 27-28 इंच यहाँ पर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से ले ले रहे हैं हम 13 × 26 इंच और 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है हमने। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच चौड़ा, ये 1 इंच है ना, तो हमें यहाँ पर लेना है 1.5 इंच चौड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा मार्जिन जाएगा यहाँ पर, यहाँ से कटिंग करना है। अब दोस्तों नीचे का तला लेंगे हम 2.5 इंच चौड़ा, यहाँ निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब स्केल से निशान लगा के और इसको कटिंग कर लेंगे, एक निशान यहाँ लगाना है, इसको कर लेंगे हम कटिंग। इस साइड से भी कटिंग कर लेना है, ये हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद ऊपर की साइड से भी थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा तला, इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है इसको। ये लिया हैंडल, ठीक है, और ये है हमारे 4 पीस हमने लिए हैं 4x4 के, देखो 4x4 के हैं ये, ठीक है, 4 इंच लंबे 4 इंच चौड़े। इस तरीके से करना है इसको फोल्ड और यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये हमने यहाँ से कटिंग कर लिया, ठीक है, हल्का सा शेप और दे देते हैं इस प्रकार। शेप देने के बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से इसे रखेंगे और जैसे हमने ये करें 4 पीस लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने 4 पीस कटिंग कर लिए हैं। 4 पीस कटिंग करने के बाद में 20 सेंटर में लगाएंगे एक कट, यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एक लेबल लगा देंगे, ये हमने यहाँ पर लेबल लगा लिया है लगभग, ठीक है। यहाँ पर धागे वगैरह काटने के बाद में अब यहाँ पर हमें कॉर्नर लगाना है इस तरीके से, इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। और ऊपर की साइड में भी हमें सिलाई लगाना है किनार पे बिल्कुल। अब यहाँ पर एक पैर की सिलाई और लगाना है इस तरीके से, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें दूसरे कॉर्नर को यहाँ पर फिट करना है, ये ऐसे करके। अब इधर किनारे की सिलाई लगाएंगे और किनारे की सिलाई लगाने के बाद में अब हमें नीचे एक पैर की सिलाई लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये लगा लिए हैं, इसी तरह हमें सेम तरीके से अपने दूसरे पीस में इसको लगाना होगा कटिंग करने के बाद। ये वाला पीस जैसे हमने ये लगाया है वैसे ही हम दूसरे पल्ले में लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम जिप, इस तरीके से जिप अटैच करना है। और जिप अटैच करने के बाद में यहाँ पर हम एक लगाएंगे पैर की सिलाई, इस प्रकार ये हमने यहाँ पर लगा दी सिलाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरे पीस पे एक सिलाई और लगाना है,
जैसे ये लगाई सेम तरीके से वैसे लगाना है। तो हमने यहाँ दोनों में अपनी ज़िप अटैच कर ली है। उसके बाद में लेना है हमें तला, जो हमने बीच में कट लगाए थे उस कट को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देना है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हम आधी सिलाई तला इधर से लगाएंगे। इस तरीके से और यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा लिया है। अब हमारा ये देखो ये वाला पीस इसमें अटैच करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जो हमारा देखो ये वाला कट है, दोनों कट से कट मिला लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इस तले को फिट कर लेंगे। इस तरीके से लगाते चले जाएंगे सिलाई। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है। लगाने के बाद में यहाँ पर हम यह वाला साइड भी लगा लेंगे। अब हमने देखो दोनों साइड लगा ली। यहाँ लगाएंगे हम पाइपिंग, जिससे कच्चा वगैरह ना निकले। अब दोस्तों यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर हैंडल फिट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हैंडल अटैच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में अब इसी तरीके से हमें अपने दूसरे हैंडल को अटैच करना है। और दूसरे हैंडल को अटैच देखो इस तरीके से करना है, जैसे कि हमने हमारे देखो यहाँ पर ऐसे अटैच किया। अब यहाँ से हम इसको पक्का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जिससे कोई धागे वगैरह ना निकलें, ये ठीक है। अब हम इसी तरह अपने दूसरे हैंडल को अटैच करेंगे और हैंडल अटैच करने के बाद में आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है हमारा फाइनल लुक। हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारा इसको पर्स को बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से इधर से भी बहुत प्यारा लग रहा है। और यह है इसकी फ्रंट साइड, और फ्रंट और बैक साइड दोनों हमने एक सी बनाई है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।